दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उस मूवी का नाम है द लिटिल हर्ट्स, जो 2017 में रिलीज हुई थी, जिसमें चर्च में रहने वाली तीन ऐसी सिस्टर की कहानी बताई गई है जो चर्च में रहकर अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करना चाहती, बल्कि वह अपनी लाइफ को किसी मर्द के साथ एंजॉय करना चाहती हैं, जिसके लिए ये एक लड़के को अपना शिकार बनाकर उसके साथ रोमांस करती हैं। अब ये रोमांस करने के लिए उस लड़के के साथ क्या क्या करती हैं, ये सब तो आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी शुरू होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम फर्नांडा होता है, जो एक गधी को लेकर चर्च में जा रही थी। तभी एक लेडी जिसका नाम जैनवरा होता है, वह फर्नांडा से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी, जिस पर सिस्टर फर्नांडा उससे कहती है ये गधी कल रात चर्च से भाग गई थी, इसलिए मैं इसे ढूंढने के लिए गई थी। फिर वहाँ एक माली आता है जो उन दोनों से गुड मॉर्निंग कहता है, जिस पर ये दोनों भड़क जाती हैं और उस माली को गालियां देने लगती हैं, क्योंकि ये माली को अपनी नजर में एक गिरा हुआ इंसान समझती हैं। इसके बाद हम जैनवरा को हेड सिस्टर मारिया के पास देखते। जैनवरा सिस्टर मारिया से कहती है कि आप इस गधी की देखभाल करना मुझे सौंप दें। वह गधी हर रोज चर्च से भाग जाती है। इसी बीच हम वहाँ एक और नंस को देखते हैं जिसका नाम अलेक्जेंड्रा होता है। अलेक्जेंड्रा अब चर्च में रहना नहीं चाहती है और वह अपनी लाइफ को किसी जीवन साथी के साथ इंजॉय करना चाहती है। वह अपनी शादी के लिए अपने डैड से बात भी करती है, जिस पर उसका डैड उससे कहता है कि लड़के वाले बहुत ज्यादा धन मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उन्हें बहुत सारा धन देकर तुम्हारी शादी कर सकें। तब इस बात से अलेक्जेंड्रा बहुत दुखी होती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ये तीनों नंस अपने हाथों में एक टोकरी लेकर कहीं जा रही थी। फिर इन्हें वहाँ पर माली मिलता है जो सब्जियां खोद रहा था। वो इन तीनों की ओर देखने लगता है, तब ये तीनों नंस उस पर गुस्सा होकर उसे पीटने लगती हैं। फिर वह माली इन तीनों नंस की शिकायत फादर तमाशो से करता है और उससे कहता है कि मैं अब इस चर्च में काम नहीं करूंगा, उन तीनों नंस ने मिलकर मेरी पिटाई की है, इसलिए मैं ये काम छोड़कर जा रहा हूं। तब फादर तमाशो उस माली से कुछ दिन और रुकने को कहते हैं, क्योंकि आज फादर तमाशो दूर की सिटी में उन कपड़ों को बेचने जा रहे हैं जिन्हें उन सभी सिस्टरों के द्वारा बुना गया था, इसलिए उन्हें वापस आने में 2 या 3 दिन का समय लगेगा। इसलिए वह माली को कुछ दिन और रुकने के लिए कहते हैं, पर माली उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था और वह काम छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में हम लॉर्ड ब्रूनो को उसकी वाइफ फ्रांसिस्का के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। लॉर्ड ब्रूनो अपनी वाइफ से किसी बात के बारे में डिस्कस करता है, लेकिन फ्रांसिस्का ब्रूनो की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि फ्रांसिस्का का ध्यान तो पूरी तरह उसके नौकर मैसेडो पर होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच काफी समय से अफेयर चल रहा है। फिर रात को हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का और उसका नौकर मैसेडो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है और वो उस नौकर को वहाँ से भागते हुए देख लेता है, लेकिन काफी अंधेरा होने की वजह से वह उस नौकर का चेहरा नहीं देख पाता। फिर ब्रूनो नौकरों के रूम में जाकर उनके चेस्ट पर हाथ रखकर हार्ट बीट से नौकर की पहचान करता है और उस नौकर के सर से थोड़े से बाल काट लेता है, ताकि वह सुबह को उस नौकर की पहचान कर सके, क्योंकि नौकरों के रूम में भी अंधेरा था, लेकिन ब्रूनो ने अभी भी उस नौकर का चेहरा नहीं देखा था। फिर अगले दिन जब ब्रूनो सभी नौकरों को बुलाकर उसकी पहचान करने के लिए जाता है, तो वह देखता है कि सभी नौकरों के बाल एक ही जगह से कटे हुए हैं, इसलिए वह उस नौकर को नहीं पहचान पाता कि उस रात उसकी वाइफ के पास कौन सो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मैसेडो कहीं जा रहा था, तब फ्रांसिस्का उसे रोककर सबके सामने ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। इन दोनों की ये सारी हरकतें ब्रूनो अपने महल की छत से देख लेता है और अपने सिपाहियों से मैसेडो को पकड़कर उसके पास लाने को कहता है। अब मैसेडो सिपाहियों से बचने के लिए एक जंगल में भाग जाता है, जहां उसे फादर तमाशो मिलते हैं। फादर तमाशो की गाड़ी नदी में पलट गई थी और उनके सारे कपड़े भी नदी में बहकर जा रहे थे। तब मैसेडो उन कपड़ों को पकड़कर वापस लाने में उनकी हेल्प करता है। तब फादर तमाशो मैसेडो को कहते हैं और मैसेडो के पास अब रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए वह उसे अपने साथ चर्च जाने के लिए कहते हैं। और फादर तमाशो उससे ये भी कहते हैं कि चर्च में तुम्हें गूंगा और बहरा बनकर रहना पड़ेगा, वरना वो तीनों सिस्टर तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। तब मैसेडो उनकी बात मान लेता है और फादर तमाशो सिस्टर मारिया से उसकी मुलाकात कराते हैं और कहते हैं कि ये गूंगा बहरा है और आज से ये हमारे साथ रहेगा और चर्च के सारे काम की जिम्मेदारी भी यही संभालेगा। फिर अगले दिन जब वह चर्च में कुछ काम कर रहा होता है, तो फर्नांडा उसे परेशान करके उससे उसके बारे में पूछ है। तभी वहाँ सिस्टर मारिया आ जाती हैं और वह उन तीनों सिस्टर को बताती हैं कि ये हमारा नया माली है और ये गूंगा बहरा है। फिर उसी रात को हम देखते हैं कि सिस्टर फर्नांडा की एक फ्रेंड उनसे मिलने के लिए आती है और वह दोनों अलेक्जेंड्रा के रूम में जाती हैं और वहाँ पर सिस्टर मारिया से छुपकर वाइन पीने लगती हैं।
कुछ देर में वहाँ पर जैनवरा भी आ जाती है और ये सब यहाँ खूब मस्ती करते हैं। फिर अगली सुबह हम मैसेडो को खुदाई करते हुए देखते हैं, तभी उसके पास अलेक्जेंड्रा आती है। अलेक्जेंड्रा मैसेडो को पसंद करने लगी थी और वो उसके साथ किस करती है और इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चर्च की घंटी बज जाती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके सारे कपड़े मिट्टी लगने से गंदे हो चुके थे, इसलिए वो उन कपड़ों को धोने के लिए जाती है, जहाँ फर्नांडा उससे पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। अब अलेक्जेंड्रा उससे कहती है कि उसने गड्ढा खोदने में माली की हेल्प की थी, इसलिए उसके कपड़े इतने गंदे हो गए। उसकी बातों से फर्नांडा को उस पर शक होता है और अब फर्नांडा भी उस माली को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए अपनी फ्रेंड मार्ता के साथ मिलकर एक दवाई बना रही थी, जिसे बेनाडोला कहा जाता है। दरअसल बेनाडोला का प्रयोग पहले जमाने की औरतें दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए करते थे। दूसरी तरफ जैनोरा भी इन्हें बेनाडोला बनाते हुए देख रही थी। इसके बाद मार्ता फर्नांडा के बेनाडोला लगा देती है, जिसके बाद ये दोनों मैसेडो के पास जाकर उसे सिड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट होते हैं। उधर दूसरी तरफ हम जैनरो को भी बेनाडोला बनाते हुए देखते हैं, लेकिन वह बेनाडोला को फेस पर लगाने की बजाय उसे पी लेती है और इस वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर हम अलेक्जेंड्रा को मैसेडो के पास देखते हैं। अलेक्जेंड्रा मैसेडो के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ जैनवरा आ जाती है और अलेक्जेंड्रा जैनवरा को देखकर छुप जाती है। जैनवरा भी मैसेडो के पास रोमांस करने के लिए आई थी, लेकिन उसे भी वहाँ किसी के पास आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो भी उसी जगह जाकर छुप जाती है जहाँ पहले से ही अलेक्जेंड्रा छुपी हुई थी। ये दोनों एक दूसरे को काफी शर्म की नज़र से देखती हैं। फिर हम देखते हैं कि उस रूम में और कोई नहीं बल्कि फर्नांडा आती है, जो मैसेडो को चाकू दिखाकर उसे किडनैप कर लेती है और उसे अपने साथ जंगल में ले जाने लगती है। लेकिन जैनवरा और अलेक्जेंडर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, इसलिए वो दोनों भी फर्नांडा के पीछे जाती हैं और जंगल में वो फर्नांडा के साथ बहुत सारी औरतों को देखती हैं जो नंगे होकर रिचुअल कर रही थी, क्योंकि वो सभी औरतें अपने आप को डायन समझती हैं और आज फर्नांडा उनके साथ मिलकर मैसेडो की बलि देने वाली है। इससे पहले कि वह मैसेडो की बलि देकर उसे मार पाती, उससे पहले ही अलेक्जेंड्रा और जैनवरा उन्हें रोक लेती हैं और फर्नांडा और मार्ता से फाइट करके मैसेडो को छुड़ा लेती हैं। मैसेडो उन सबको बता देता है कि वह गूंगा और बहरा नहीं है और वह सब कुछ सुन और बोल सकता है। फिर हम देखते हैं कि जैनवरा घबराकर चर्च की ओर भागती है और चर्च में जाकर वह शोर मचाकर सबको बताती है कि फर्नांडा एक डायन है। ये सुनकर बिशप भी उसके पास आ जाता है। बिशप कुछ दिन पहले ही इस चर्च में आया होता है और ये इस चर्च का असली मालिक है। अब जैनवरा बिशप को बताती है कि फर्नांडा एक डायन है। इतने में ही वहाँ मैसेडो को साथ लेकर अलेक्जेंड्रा और फर्नांडा भी आ जाते हैं। फिर बिशप सिस्टर मारिया को भी अपने पास बुलाता है, लेकिन सिस्टर मारिया के साथ उसके रूम से तमाशो भी निकलता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह फादर बिशप उन सभी को उनके दुष्कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें सजा सुनाते हैं, जहाँ पर वो फादर तमाशो को एक दूसरे चर्च में भेजते हैं और मैसेडो को लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज देते हैं। अब लॉर्ड ब्रूनो के सिपाही उसे जेल में डाल देते हैं, क्योंकि मैसेडो का उनके राजा लॉर्ड ब्रूनो की वाइफ के साथ अफेयर था। फिर मैसेडो के पास लॉर्ड ब्रूनो आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, मैं केवल तुम्हें कई हफ्तों तक बुरी तरह टॉर्चर करूंगा, जिसके बाद तुम खुद ही मर जाओगे। फिर हम उन तीनों सिस्टर को एक जगह बैठे हुए देखते हैं और ये तीनों उस रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए एक दूसरे से माफी भी मांगती हैं और उन तीनों में फिर से एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। और यहां ये मैसेडो को लॉर्ड ब्रूनो की कैद से छुटाने का डिसाइड करती हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हीं की गलती की वजह से मैसेडो को जेल में जाना पड़ा। अब ये उसे कैद से छुटाने के लिए एक प्लान बनाती हैं, जिसमें ये उन सिपाहियों को गुमराह करके किसी तरह मैसेडो को छुड़ाकर अपने साथ ले जाने लगती हैं। अब ये तीनों काफी खुश होती हैं, क्योंकि इन्होंने मैसेडो को लॉर्ड ब्रूनो की कैद से छुड़ाकर उसे आजाद कर दिया है। फिर फर्नांडा वहाँ फादर तमाशो और सिस्टर मारिया को देखती है, जो चर्च से छुपकर एक दूसरे से मिलने आए हैं। यहाँ सिस्टर मारिया और फादर तमाशो एक दूसरे को किस करते हैं और ये वादा करते हैं कि वह इसी तरह छुप छुप कर एक दूसरे से मिलना आया करेंगे और एक दूसरे के साथ काफी समय स्पेंड किया करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।